खूंखार टाइगर बन गए हैं भीगी बिल्ली। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में दिखेगा कुछ ऐसा रोल। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 2 के प्रमोशंस में काफी बिजी है और बागी 2 को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। टाइगर श्रॉफ बागी 2 के बाद अगर किसी फिल्म में काम करना शुरू करने वाले हैं तो वो है करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। वेल, ये सीक्वल है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का और इस फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए थे। आपको बता दें, करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे। वेल, फिल्म से टाइगर के अलावा अब तक किसी स्टार कास्ट का नाम सामने नहीं आया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में रोल के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इस फिल्म में एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहा हूँ जो कि काफ़ी सीधा साधा होगा और कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट उसे बुली करते नजर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस तरह का किरदार पहली बार निभा रहे हैं और फिल्म में किसी तरह के एक्शन सीन्स नहीं होंगे। जहां कि वो बागी 2 में जबरदस्त एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर टाइगर के फैंस को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक्शन सीन्स नहीं देखने को मिलेंगे। बता दें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इस साल ही रिलीज होगी, यानी कि 23 नवंबर 2018 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। वेल, फिल्म को पुनीत मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे और करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही फिल्म का पहला पोस्टर भी कुछ महीने पहले रिलीज हो चुका है। तो गाइस, आपकी क्या राय है इस स्टोरी को लेकर, ये जरूर हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल बॉलीवुड टेशन को सब्सक्राइब करिए। गोलमाल अगेन के बाद साढ़े साथी और टोटल धमाल में करेंगे जम के कॉमेडी। अजय देवगन की फिल्म रेड बॉक्स ऑफिस पर धीमी गति से कमाई कर रही है और इन दिनों अजय देवगन अपनी कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल की शूटिंग में बिजी है और टोटल धमाल के साथ ही अजय की कई फिल्में लाइन में है, जैसे सन ऑफ सरदार, तानाजी और साढ़े साथी। यानी कि अजय देवगन गोलमाल अगेन के बाद साढ़े साथी और टोटल धमाल में करेंगे जम के कॉमेडी। आपको बता दें, दोनों फिल्मों में यानी कि टोटल धमाल और साढ़े साथी में अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे और अजय उन एक्टर्स में से है जो दमदार रोल के साथ कॉमेडी भी बेहतरीन करते हैं। टोटल धमाल थर्ड पार्ट है धमाल सीरीज का, पहले धमाल, फिर डबल धमाल और अब टोटल धमाल, और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, साथ ही दर्शकों को खूब पसंद भी आई थी। वेल, ऐसा पहली बार होगा जब धमाल सीरीज में अजय देवगन बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। आपको बता दें, फिल्म में अजय देवगन के साथ अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, बोमन ईरानी और जावेद जाफरी नजर आएंगे। और वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की दूसरी कॉमेडी फिल्म साढ़े साथी है, जिसमें अनिल कपूर भी नजर आएंगे। कि कॉमेडी का मजा दोनों फिल्म में देखने को मिलेगा और साढ़े साथी को अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म के स्टार कास्ट में से सिर्फ अनिल कपूर और अजय देवगन का नाम ही सामने आया है और बाकी स्टार कास्ट का नाम सामने आना अभी भी बाकी है। वेल, 2018 और 2019 में दोनों कॉमेडी फिल्म रिलीज होने वाली है। अब तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि अजय की कौन सी कॉमेडी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी है। तो गाइस, इन दोनों फिल्म में से आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, ये जरूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल बॉलीवुड टेशन को सब्सक्राइब करें। Please subscribe Bollywood Tashan. Also, don't forget to press the bell icon and never miss any filmy Bollywood update. Stay with us.